अगला क्रम आता है इसके अंतर्गत, जिसे हम कहते हैं तृतीय प्रक्रिया यानी कि तलपट। हमने देखा कि जब हम खाता बही बना रहे थे तो कुछ अमाउंट डेबिट साइड में लिखी हुई थी, कुछ अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखी हुई थी। जैसे मान लीजिए हमने ये जो खाता बही तैयार किया था, रोकड़ खाता, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे डेबिट साइड में जो अमाउंट लिखी हुई है उसका टोटल आता है यहाँ पर 15,000, और क्रेडिट साइड में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं इसका टोटल आता है यहाँ पर 5,000। अब हमको इसको क्लोज करने के लिए इसका बैलेंस निकालना होता है, ये नेक्स्ट प्रोसेस होता है बैलेंसिंग। तो हम करते क्या है कि ज़्यादा में से कम वाली अमाउंट को घटाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ज़्यादा किधर है, डेबिट पक्ष में ज़्यादा अमाउंट है 15,000, क्रेडिट पक्ष में कम अमाउंट है ओनली 5,000। 15,000 में 5,000 हम माइनस कर दिए, बैलेंस यानी कि शेष हमको मिलता है 10,000। यहाँ पर हम इसको इसका बैलेंस निकालेंगे, शेष ले गया लिखकर, 10,000 हम बैलेंस लिखेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर हो गए 15,000 से, यहाँ हम इसको क्लोज कर लेंगे। हम अपने बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि रोकड़ खाते का शेष 10,000 रुपये आया, कैश अकाउंट का बैलेंस 10,000 है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यापारी के पास जितनी कैश थी उसमें से जो खर्च हुए उनको करने के बाद उस व्यापारी के पास 10,000 कैश बैलेंस अभी भी है। ऐसे ही जब हम क्रय खाता बनाएंगे, विक्रय खाता बनाएंगे और बहुत सारे खाते बनाएंगे तो सभी खाते में कुछ ना कुछ बैलेंस आएगा। इन सभी बैलेंसेस को हम एक सूची में, एक टेबल में हम तालिकाबद्ध कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हम ये बता दें कि रोकड़ खाते का जो बैलेंस होता है उसको, वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम जो है जितनी है उसके अंदर से ही एक्सपेंसेस करने होते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि कैश अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। इसके अलावा बाकी अकाउंट डिपेंड करते हैं कि कितनी अमाउंट उनमें लिखी गई है, कैसा व्यवहार उनका है, और डेबिट बैलेंस भी आ सकते हैं और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकते हैं। यहाँ पर हम ये जो कैश अकाउंट देख रहे हैं इसमें डेबिट पक्ष ज़्यादा है जो कि बैलेंस ट्रांसफ़र होके गया है क्रेडिट में, तो इसको हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। ये चीज़ें भी आपको समझनी है कि किसे हम कहेंगे डेबिट बैलेंस और किसे हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। जब डेबिट पक्ष ज़्यादा है और शेष जो है बैलेंस जो है वो क्रेडिट में आ रहा है तो इसे हम कहेंगे डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर क्रेडिट पक्ष ज़्यादा हो और शेष जो है वो डेबिट में आए, बैलेंस जो है वो डेबिट में आए, तो इसे हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। ये चीज़ हमको याद रखनी इसलिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस है, जब ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो वहाँ पर हमको ये चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्या होता है डेबिट बैलेंस और क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये जब हमने लेजर बनाया और उसके छोटे छोटे बैलेंसेस हमने निकाल लिए सभी अकाउंट्स के, तो अब हम इनका क्या करेंगे? यही बैलेंस हम यूज़ करेंगे ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट बनाने के लिए, जो कि इसका तीसरा चरण है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैलेंसेस हमारे सामने दिए गए हैं। हमने कैश अकाउंट बनाया, हमने परचेस अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट हमने बनाया, कमीशन अकाउंट हमने बनाया, और भी बहुत सारे बैलेंसेस हमारे पास यहाँ पर हैं। इन बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के रूप में फॉर्म कर लेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ट्रायल बैलेंस हमारे पास बना हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड चैप्टर हम इस सब्जेक्ट में पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थर्ड प्रोसेस में हम इस तरह का एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसके बाद इसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम बनाते हैं अंतिम खाते यानी कि फाइनल अकाउंट। एक्चुअली यही वो अकाउंट है जिसके आधार पर हम किसी व्यापार की
आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं, उसकी वित्तीय स्थिति क्या है उसकी हम जानकारी हासिल करते हैं, और फाइनली एक व्यापार का उद्देश्य यही होता है कि एक तो उसको ग्रोथ चाहिए, लाभ चाहिए बिजनेस में, और एक उसकी पॉलिसी रहती है कि वो कंपेयर करके देखता है हमेशा लास्ट ईयर से करेंट ईयर में कि कितनी ग्रोथ उसने की। तो ये जब अकाउंट हम बनाते हैं, फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो हम बहुत आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल बिजनेस में कितनी ग्रोथ हुई है, कितना लाभ हुआ है या हानि हुई है, इसका अंदाजा हम बहुत आसानी से लगा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या है और इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले तलपट के आधार पर सबसे पहले तो हम बनाते हैं निर्माणी खाता यानी मैन्युफैक्चर अकाउंट या फिर व्यापार खाता यानी कि ट्रेड अकाउंट। लगभग सेम ही है दोनों को अगर हम देखें, फॉर्मेट तो हालांकि सबके सेम होते हैं, चाहे हम व्यापार खाता की बात करें, निर्माणी खाते की बात करें या लाभानी खाते की बात करें, लेकिन मैन्युफैक्चर अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे वाले लिखते हैं जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट निर्माण से रिलेटेड होते हैं। जब कोई प्रोडक्शन किया जाता है तो जिस ईंधन का हम प्रयोग करते हैं, कोल फ्यूल का हम यूज़ करते हैं और कच्चे माल का हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रकृति का व्यवहार है उसके आधार पर, तो ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं इनमें वो मैन्युफैक्चर अकाउंट में चले जाते हैं। या फिर उसके स्थान पर हम प्रयोग करते हैं व्यापार खाते का। यहाँ पर हम फॉर्मेट जो देख रहे हैं इसमें निर्माणी खाता बनाया गया है और हम देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत किस किस तरह के व्यय लिखे जाते हैं, इनके फॉर्मेट में क्या क्या रहता है ये हम देख रहे हैं। और इसके बाद हम देखेंगे व्यापार खाता। तो व्यापार खाते के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लें। वास्तव में व्यापार खाता जितने भी प्रत्यक्ष व्यय और जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको मेंशन करने के लिए बनाया जाता है, और साथ ही साथ इसके आधार पर हम गणना करते हैं सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट की, यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी भी बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो माइनस करने बच गए हैं। तो और थर्ड जो प्रोसेस होता है उसके अंतर्गत हम बनाते हैं लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आइए इनके फॉर्मेट पे, इनके प्रारूप पर एक नज़र डालें, क्या है व्यापार खाता, निर्माणी खाता और लाभ हानि खाता। व्यापार खाते का प्रारूप हम यहाँ पर देख रहे हैं। व्यापार खाते के प्रारूप में हम चार कॉलम यहाँ पर बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट। आइए देखते हैं इनमें किन किन तरह के मदों को लिखा जाता है। इसमें हम डेबिट साइड में लिखेंगे प्रारंभिक स्कंद से टू ओपनिंग स्टॉक, क्रय से टू परचेस, इसमें हम माइनस कर देंगे क्रय वापसी माइनस परचेस रिटर्न, शुद्ध क्रय से नेट परचेस, आगत भाड़ा से टू कैरेज इनवॉर्ड, गाड़ी भाड़ा से टू कार्टेज, क्रय पर भाड़ा से टू फ्रेट ऑन परचेस, मजदूरी व्यय से टू वेजेस, क्लियरिंग व्यय से टू क्लियरिंग चार्जेस, ऑक्ट्रॉय से टू ऑक्ट्रॉय, सीमा शुल्क से टू कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी से टू रॉयल्टी, ईंधन व शक्ति से टू फ्यूल एंड पावर, जल शुल्क से टू वाटर एंड चार्जेस, आयात शुल्क से टू इम्पोर्ट ड्यूटी, गोदी व्यय से टू डॉक चार्जेस, निर्माण व्यय से टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कारखाना किराया से टू फैक्ट्री रेंट, सकल लाभ हानि खाते में हस्तांतरित। इसका जो बैलेंस आएगा अगर वो डेबिट में आता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए डेबिट में वो आएगा सकल लाभ हानि खाता से टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट साइड में हम इसमें लिखेंगे क्रय खाता से बाय सेल्स, और इसमें हम माइनस करेंगे विक्रय वापसी माइनस सेल्स रिटर्न, शुद्ध विक्रय नेट सेल्स, अंतिम स्कंद को बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अगर क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस आता है जिसको कि हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं तो उसको हम लिखते हैं सकल हानि लाभ हानि खाते में हस्तांतरित, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
लाभ हानि खाते के प्रारूप में हम यहाँ पर देखते हैं चार कॉलम होते हैं, डेबिट पक्ष के दो कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट पक्ष के दो कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट में हम इसमें लिखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर करते हैं अगर है तो, और फिर हम डेबिट में लिखते हैं वेतन खाता से टू सैलरी अकाउंट, बाय गाड़ी भाड़ा से टू कैरेज आउटवर्ड, विज्ञापन व्यय से टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, छपाई व लेखन सामग्री व्यय से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, डाक व्यय से टू डाक एक्सपेंसेस, बीमा व्यय से टू इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, किराया से टू रेंट एक्सपेंसेस, बैंक व्यय से टू बैंक एक्सपेंसेस, दर व कर से टू रेट एंड टैक्सेस, मरम्मत व्यय से टू रिपेयर एक्सपेंसेस, वैधानिक व्यय से टू लीगल एक्सपेंसेस, पूंजी पर ब्याज से टू कैपिटल एक्सपेंसेस, बट्टा से टू डिस्काउंट पेबल, कमीशन से टू कमीशन, यात्रा व्यय से टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, डूबत ऋण से टू बैड डेब्ट्स, मूल्यह्रास से टू डेप्रिसिएशन। और इसका जो बैलेंस होता है अगर वो डेबिट साइड में आता है यानी कि क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो नेट प्रॉफिट कहलाता है, जो कि आंतरिक पूंजी मानते हुए बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता है। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं सकल लाभ, अगर व्यापार खाते में लाभ हुआ है तो सकल लाभ हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर ब्याज अगर प्राप्त होता है तो इंटरेस्ट रिसीव, बट्टा अगर प्राप्त होता है तो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन अगर प्राप्त होता है तो कमीशन रिसीव, किराया अगर प्राप्त होता है तो किराया यानी कि रेंट रिसीव, और डिविडेंड अगर रिसीव होता है तो डिविडेंड रिसीव। दोनों का डिफरेंस अगर क्रेडिट में आता है तो वो शुद्ध हानि यानी कि नेट लॉस कहलाएगा, जिसे हम आंतरिक पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं यानी कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैपिटल में से हम इसको माइनस कर देते हैं। निर्माणी खाता का प्रारूप, निर्माणी खाते में चार कॉलम होते हैं, डेबिट पक्ष में विवरण और राशि और क्रेडिट पक्ष में विवरण और राशि। डेबिट साइड के मध्य इस प्रकार होंगे, टू ओपनिंग स्टॉक प्रारंभिक स्कंद, टू रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री, टू वर्क इन प्रोग्रेस अर्ध निर्मित माल, टू परचेस ऑफ रॉ कच्चे माल का क्रय, टू मटेरियल लेस आर ओ वापसी, टू वेजेस मजदूरी, टू गैस एंड वाटर गैस एवं पानी, टू फैक्ट्री रेंट कारखाने का किराया, टू पावर शक्ति, टू फैक्ट्री इंश्योरेंस कारखाने का बीमा, टू कंज्यूमेबल स्टोर्स उपयोग स्टोर्स, टू फ्रेट भाड़ा। क्रेडिट पक्ष में हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अंतिम स्कंद, बाय रॉ मटेरियल कच्ची सामग्री, वर्क इन प्रोग्रेस अर्ध निर्मित माल, बाय ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है उसको हम व्यापार खाते में ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे लिखा है बाय ट्रेडिंग अकाउंट व्यापार खाता, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स निर्मित माल की लागत व्यापार लेखे में हस्तांतरित। तो आपने देखा कि किस प्रकार निर्माण खाता, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता किन किन व्ययों को शामिल करते हुए बनाया जाता है। अब हम बात करें अंतिम खाते यानी कि स्थिति विवरण की, जिसे हम कहते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंतर्गत सभी संपत्तियों और दायित्वों का लेखा किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम फॉर्मेट में देख रहे हैं। सभी संपत्तियों और दायित्वों का लेखा न केवल तलपट के आधार पर या व्यापार खाते या लाभानी खाते के आधार पर किया जाता है, बल्कि वर्ष भर में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, जितने भी समायोजन होते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत समायोजित प्लस या माइनस करके लिखा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वर्ष के अंत में ये पता चल पाए कि व्यापार में संपत्ति की क्या स्थिति है और दायित्व की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ ओवरऑल हम कहें बात करें तो व्यापार की पूरी आर्थिक स्थिति का पता इस चिट्ठे के आधार पर लगाया जा सकता है। तो आइए देखें कि अंतिम खातों के अंतर्गत जो चिट्ठे बनाए जाते हैं उनका प्रारूप क्या होता है।
आर्थिक चिट्ठे के प्रारूप को अगर हम तरलता के क्रम में यहाँ पर लिखें तो हम देखते हैं कि इसमें दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, इसमें दो पक्ष होते हैं लायबिलिटी के और एसेट्स के, और उनके अमाउंट हम लिखते हैं। आइए देखते हैं लायबिलिटीज में कौन कौन सी राशियां हम लिखते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, देय विपत्र, बैंक पेबल, बिल्स पेबल, विविध लेनदार, सन्ड्री क्रेडिटर्स, माल के लिए फॉर गुड्स, ऋण के लिए फॉर लोन्स, व्यय के लिए फॉर एक्सपेंसेस, अदत्त व आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अग्रिम प्राप्य आय, इनकम रिसीव इन एडवांस, कोष, रिजर्व, कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे अगर नेट प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हमको उसको यहाँ पर ऐड करना है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस आ रहा है तो उसको हमको यहाँ पे माइनस करना है। अगर विड्रॉल के लिए, ड्रॉइंग के लिए कोई राशि दी गई है तो उसको भी हमको यहाँ पर माइनस करना है। एसेट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं हस्तस्थ रोकड़, कैश इन हैंड, बैंक में रोकड़, कैश एट बैंक, निक्षेप, बैंक डिपॉजिट्स, विनियोग, इन्वेस्टमेंट्स, प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल, विविध ऋण, सन्ड्री डेटर्स, अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक, उपस्कर, फर्नीचर, मशीनरी एवं संयंत्र, मशीनरी एंड प्लांट, मुक्त संपत्ति या स्वकीय संपत्ति, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ख्याति, गुडविल, एकस्व, पेटेंट, पूर्वदत्त व प्रीपेड एक्सपेंसेस, उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। तो हमने देखा कि फाइनल अकाउंट की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। अब हम दोहरा लेखा प्रणाली के लास्ट स्टेप यानी विश्लेषण एनालिसिस पर पहुंचे। जब हम बहुत सारे खाते तैयार कर लेते हैं उनके प्रकृति के आधार पर, व्यापार के जो आकार है उसके आधार पर, तो लास्ट काम हमारा ये होता है कि हम इन खातों को, हमने तैयार तो कर लिया है, एक बार हम इसका विश्लेषण कर लें, एनालिसिस कर लें क्या स्थिति है व्यापार की। व्यापार खातों को हम गत वर्ष और चालू वर्ष में कंपेयर कर लें, लाभ हानि खातों को हम गत वर्ष से चालू वर्ष में कंपेयर कर लें, चिट्ठे को हम कंपेयर कर लें कि गत वर्ष में क्या स्थिति थी संपत्ति और दायित्व की और इस वर्ष क्या स्थिति है संपत्ति और दायित्व की। एनालिसिस करने के बाद ही हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि कुल मिलाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है, क्या नया किया जा सकता है व्यापार में, आगे व्यापार में या भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। तो ये सारी बातों का निर्णय लेने के लिए हमको एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना होता है। अब हम लेखांकन की तीसरी प्रणाली पर नज़र डालें जिसे हम कहते हैं भारतीय लेखा प्रणाली यानी कि इंडियन अकाउंटेंसी सिस्टम। हालांकि अधिकतर या लगभग सभी व्यापार में दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग बढ़ चढ़ कर किया जाता है, लेकिन हमको कम से कम ये जान लेना ज़रूरी होता है कि भारतीय लेखा प्रणाली यानी कि इंडियन अकाउंटेंसी सिस्टम क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत, कैसे बनाया जाता है। तो आइए भारतीय लेखा प्रणाली पर एक नज़र डालें। यहाँ हम देखते हैं कि एक तो भारत में ही ये प्रचलित है, केवल भारत में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे इंडियन अकाउंटेंसी सिस्टम यानी भारतीय लेखा प्रणाली कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो उपयोग, अगर हम इसके हिस्ट्री पे जाएं तो हम देखते हैं कि बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन कालीन इतिहास को ये अपने साथ लेकर चल रहा है। यानी कौटिल्य के समय का जो अर्थशास्त्र, जब हमने अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या था, तो उस समय से भारतीय लेखा प्रणाली का प्रयोग होता आ रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि इस प्रणाली में जो हम इंग्लिश अकाउंटिंग सिस्टम या दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम का प्रयोग करते हैं, उससे थोड़ा से हटकर इसमें बहियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ ऐसी बहियों का प्रयोग किया जाता है। ये लाल रंग की ये बहियाँ होती हैं और इनमें जो भी प्रतिष्ठित जो देवी देवता होते हैं उनके चित्र बने हुए होते हैं, लंबी बहियाँ होती हैं और इनके जो पेजेस होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि इनमें जो लिखने का तरीका होता है वो दोहरा लेखा प्रणाली से थोड़ा सा हटके होता है। और महत्वपूर्ण बात एक ये है कि अलग अलग स्थानों के आधार पर इन बहियों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि ये भारतीय लेखा प्रणाली प्राचीन कालीन पद्धति है तो हम इसको हाथ से ही इन बहियों में हम लेखा कर पाते हैं,
और साथ में हम देखते हैं कि ये जो बहियां होती हैं इनके अंतर्गत हम दो तरह की बहियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें एक बही को हम बोलते हैं कच्ची रोकड़ बही और दूसरी बही को हम बोलते हैं पक्की रोकड़ बही। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी बहुत सारी सहायक बहियां भी होती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनको बनाना बहुत सरल होता है, हालांकि एक वैज्ञानिक विधि है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट यूज़ होते हैं, प्रारूप यूज़ होते हैं जैसा हमने डबल एंट्री सिस्टम में देखा, लेकिन फिर भी बाकी एंट्रीज़ के बाकी अकाउंटिंग की अपेक्षा ये हमको थोड़ी सी सरल लगती है। एक महत्वपूर्ण बात यह कि इसको देशी बही खाता पद्धति या महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गांव और की तरह के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर जो साहूकार होते हैं, जो महाजन होते हैं, वो इस तरह की बहियों का प्रयोग आज भी करते हैं और प्रारंभ से ही इन बहियों का प्रयोग साहूकार या महाजन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसलिए भी इन बहियों को महाजनी बही खाता पद्धति भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इनकी विशेषताओं की, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसमें, तो सबसे पहली बात हम इसमें देखते हैं कि इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लाइन नहीं खींची जाती। अभी जब हम अकाउंटेंसी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हम जनरल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और उसमें बहुत सारे कॉलम स्केल से कॉलम खींचते रहते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम भारतीय बही खाता पद्धति पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने बुक के, अपनी कॉपी के हम पेजेस को मोड़कर एक सेल बना लेते हैं और उसके आधार पर फिर हम एक डार्क सेल वो रहती है और उसके आधार पर फिर हम अलग अलग कॉलम मानकर उसमें प्रविष्टियां करते हैं। कुछ इस तरह से कॉपीज़ के पेज मोड़े जाते हैं, डार्क उनको किया जाता है और उसमें सेल डाल दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम इसको बनाना शुरू करते हैं तो पूरे के पूरे पेज को बीच से मोड़ दिया जाता है और अब हम देख रहे हैं कि इसके दो अलग अलग पक्ष यहाँ पर बन गए हैं और इसमें बाएं हाथ का जो पक्ष है वो जमा पक्ष है और दाएं हाथ का जो पक्ष है उसे हम नामे पक्ष कहते हैं। जमा पक्ष जिसे हम इंग्लिश में क्रेडिट और नामे पक्ष जिसे हम इंग्लिश में डेबिट साइड कहते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जिन बहियों में इस तरह की सले होती हैं इसमें प्रथम चार सले जो होती है ये हमने डबल सल दो सल इसमें डाली और इसके बाद फिर हम इसको एक बार और मोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसमें चार सले पड़ गई। अब इन चार सलों में जो पहली सल है इस सल को हम कहते हैं सिरा और बाकी की जो तीन सले हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो तीन सले हैं इनको हम कहते हैं पेटा। तो यहाँ पर हम सिरा पहली सल और पेटा आगे की तीन सले। यहाँ पर हम एंट्री कैसे करते हैं, यहाँ हमको देखना होता है कि जो सिरा जो है इसमें हमको लिखनी है अमाउंट यानी कि रकम लिखनी है हमको और ये जो बाकी तीन सले होती हैं पेटा जिसे हम कहते हैं उनमें हमको लिखना होता है विवरण। थोड़ा सा अपोजिट लगता है हमको क्योंकि जब हम दोहरा लेखा प्रणाली से एंट्री करते हैं तो हमेशा हम अमाउंट जो होता है उसको हम विवरण के सामने लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले हमको अमाउंट लिखना पड़ रहा है और बाद में विवरण। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ बहियों में छः सले होती हैं यानी कि पेजेस को हम इस तरह से मोड़ते हैं कि एक बार फोल्ड किया दो भाग बन गए, यानी कि यहाँ पर जब हमको सल डालनी होती है तो हम कुछ अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। पहले हम एक पेज को आधा मोड़ते हैं और फिर आधा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर तीन सले हो गई हैं और इस पूरे फोल्डिंग जो भाग है इसका, इसको हम फिर से एक बार अगर मोड़ दें और अब हम खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमको छः सले प्राप्त हो रही हैं। तो ये जो छः सलों वाली बही है इनमें एक ही पक्ष होता है, या तो नाम पक्ष हो या फिर जमा पक्ष, यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मेट या तो डेबिट के लिए है या फिर क्रेडिट के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि रोकड़ बही अगर हम बनाते हैं तो रोकड़ बही में आठ सले होती हैं। कैसे बनाएंगे हम आठ सले, इस खाता बही के पेज को हम आधा मोड़ दिए और अच्छी डार्क एक सल हम इसमें डाल दिए और फिर से हम उसको मोड़ दिए यानी कि चार सले बन गई
और फिर से हम मोड़ दी, यानी कि तीन बार जब हम उसको फोल्ड करते जाएंगे और अब हम इसको ओपन करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि टोटल 8 सेल वाली एक बही हमको प्राप्त हो गई है। यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं तो हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नाम और जमा की जो है वो 6 सेलें डाली गई हैं और फिर बाकी जो सेलें हैं उनमें हम अमाउंट की एंट्री करते हैं। इस प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि लंबी बहियों का प्रयोग किया जाता है, लाल कपड़ों से, जैसे कि हम देख रहे हैं लाल कपड़ों से ये बहियाँ सिली हुई होती हैं। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है वो है कि जब हम इन बहियों को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ऊपर में हम लिखते हैं इष्ट देवता का नाम, जिस भी देवता को फॉलो करते हैं उनका नाम हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि हम प्राचीन कालीन एक पद्धति से हम बही खाता यहाँ पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर इष्ट देवता का नाम लिखते हैं। एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर माल हो चाहे कोई व्यक्ति हो, दोनों को बराबर सम्मान दिया जाता है। अगर हम माल भी खरीदते हैं तो भी उसके आगे श्री या फिर कोई भी आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, किसी व्यक्ति से हम व्यवहार करते हैं तो भी हम उसके सामने किसी न किसी आदर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। शायद इन सभी विशेषताओं के कारण ये भारतीय बही खाता पद्धति इंडियन अकाउंटेंसी सिस्टम कहलाती है। तो भारतीय बही खाता पद्धति के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, भारतीय लेखों का, भारतीय भाषाओं का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें कि कितनी तरह की बहियाँ इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल प्रारूप है, सिंपल प्रारूप है, बहुत आसानी से बन जाती हैं। इसमें भी एक विशेष ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है, एक वैज्ञानिक ढंग से बनाया जाता है। बहुत से अलग अलग प्रकृति के आधार पर अलग अलग तरह की बहियाँ इसके अंतर्गत बनाई जाती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं बंद बही, रोकड़ बही या जमा नकल बही, नाम नकल बही, खुदरा नकल बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही और जाकड़ बही। आइए इस पूरी प्रक्रिया को एक डायग्राम से समझने का प्रयास करें। अब हमने इस डायग्राम में जितने तरह के खाते देखे हैं, जो पूरी प्रक्रिया देखी है, आइए उसको विस्तार से जानें। व्यापारिक सौदों के लेन देन को सबसे पहले स्मारक पुस्तक, जिसे हम मेमोरेंडम बुक कहते हैं, या रद्दी बही, जिसे हम वेस्ट बुक कहते हैं, में लिखा जाता है, और उसके बाद इन विवरण के आधार पर प्रारंभिक लेखा यानी ओरिजिनल रिकॉर्ड या जनरल तैयार किया जाता है। जनरल को फिर से कई भागों में बांट दिया जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले क्रय पुस्तक बनाई जाती है, फिर विक्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक, प्राप्य बिल पुस्तक, देय बिल पुस्तक, रोकड़ पुस्तक और बही पुस्तक बनाई जाती है। इन सभी पुस्तकों के आधार पर खाता बही यानी लेजर का निर्माण किया जाता है। लेजर में जो शेष ज्ञात किया जाता है उसके आधार पर तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और फिर ट्रायल बैलेंस और विभिन्न समायोजनों के आधार पर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत भी कुछ अलग अलग प्रकार के खातों का निर्माण किया जाता है, जिसके अंतर्गत निर्माणी खाता यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्यापार खाता यानी ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चिट्ठा यानी बैलेंस शीट और एनालिसिस टेबल यानी विश्लेषण तालिका का निर्माण किया जाता है, और इन सभी खातों के आधार पर अंतिम खाते का विश्लेषण एवं विवेचन किया जाता है, जिसे हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। तो बच्चों, इस पूरे अध्याय में आपने देखा कि लेखांकन प्रणालियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। अपने आप में बहुत सारी वैज्ञानिक अवधारणाओं को लेकर साथ में चलती हैं। इन लेखांकन प्रणालियों में हमने दोहरा लेखा प्रणाली के साथ साथ इकहरा प्रणाली पर भी बात की, और साथ में हमने देखा कि भारतीय लेखा प्रणाली क्या है, कितने सारे विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत। सैद्धांतिक रूप से इन प्रणालियों को हमने जाना, समझा,
लेकिन व्यवहार में जब कोई व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है, व्यापार का संचालन करता है, तो इन्हीं बहियों का प्रयोग व्यवहारिक रूप से किस तरह से अपने व्यापार में करता है, ये पूरी प्रक्रिया हम देखेंगे आगे के अध्याय में।